आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके पास धन की कमी कैसे नहीं होगी। आप बड़ा प्रयास कर रहे हैं फिर भी आपके पास धन नहीं आ पा रहा है, तो आप कैसे धन की बढ़ोतरी करें, आपके पर्स में कभी पैसों की कमी ना हो। क्योंकि धन के बिना ना तो ये लोग सुधरता है और ना ही पर लोग सुधरता है, तो आप विशेष ध्यान रखें। कड़ी मेहनत के बाद भी आप कोशिश करते हैं, धन कमाते बहुत हैं लेकिन शीघ्र ही खर्चा हो जाता है, और ये 10 में से 9 लोगों की यही परेशानी है, यही कहते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हाँ, पर्स में रखें क्या क्या, ना रख क्या रखने से पैसे की आमदनी बढ़ जाएगी और पर्स कभी खाली नहीं होगा। तो आप माँ लक्ष्मी की तस्वीर अपने पर्स में पैसों के साथ रख सकते हैं, लेकिन वो माँ लक्ष्मी की तस्वीर बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। और पीपल का पत्ता शुभ मुहूर्त देख करके भगवान का स्मरण करके अपने पर्स में रखें। अगर पीपल का पत्ता नहीं, तुलसी का पत्ता भी मिले तो वो भी बड़ा लाभदायक है। तुलसी के पत्ते को भी भगवान को चढ़ा करके उसे अपने पर्स में रखें, और ऐसा करने से आपका पर्स नोटों से भरा रहेगा। और ये एक टोटका आपको बताने जा रहे हैं, ये लाल रंग का कागज आप अपने पर्स में रखिए, और आपको केवल इतना करना है कि एक लाल रंग का कागज ले करके अपनी इच्छा लिख करके उसे रेशमी धागे से बांधकर पर्स में रख दीजिए। ऐसा करने से आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी हो जाएगी। और शास्त्रों के अनुसार अनाज और धन एक बराबर ही होता है, इसलिए पर्स में चावल के दाने रखने का बड़ा ही महत्व। पर्स में चुटकी भर साबुत चावल भगवान शिव को चढ़ा करके अपने पर्स में रख लें, इससे जो आपका खर्च बढ़ रहा है उसमें आपको फायदा होगा। और संसार में माता पिता के आशीर्वाद से बढ़कर कुछ नहीं है, और यदि माता पिता आपके सिर पर कहीं जाते हुए अपने हाथ रखें तो आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। और यदि आपको कभी माता पिता से या फिर घर में बड़े बुजुर्ग से पैसे मिले तो उन्हें कभी खर्च ना करें, शुभ मुहूर्त देखकर इस पर तिलक लगवाएं और हमेशा पर्स में ही रखें। शास्त्रों के अनुसार यह उपाय करने से न केवल आया हुआ धन आपके पास रुकेगा बल्कि साथ ही आय में भी वृद्धि होगी, आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। और ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार पर्स में शीशे का टुकड़ा या फिर बिल्कुल छोटा सा चाकू रखना चाहिए, यह भी आय के वृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा आप पर्स में कौड़ी या गोमती चक्र भी रखते हैं जिससे आपको लाभ होगा। और यदि आपके पास चांदी का सिक्का है तो उसे पर्स में रखें, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की वर्षा करती हैं। लेकिन चांदी या सोने का सिक्का, कौड़ी, रुद्राक्ष, गोमती चक्र इत्यादि किसी भी वस्तु को पर्स में रखने से पहले कुछ देर तक माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें और फिर इसे पर्स में डालें। और कौन सी चीज पर्स में रखनी चाहिए जानने के बाद यह भी जान लीजिए कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि आपके पर्स में जुड़े कौन से काम हैं जिन्हें आपको कभी नहीं करना चाहिए। नोट मोड़ करके ना रखें पर्स में, सीधे रखें, कोई अश्लील चित्र ना रखें। भगवान की फोटो अपने पर्स में रख सकते हैं, ये छोटे से कारण आपको धनवान बना सकते हैं। अगर आप सावधानी रखेंगे तो आपके जीवन में बड़ा लाभ होगा।